शहर की सब्जी मंडी में रेड़ी फड़ी लगाने वालों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए माननीय हाईकोर्ट द्वारा इनके हक में फैसला सुनाया गया है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए भाजपा नेता योगेश ठाकुर ने बताया कि अदालती जांच में सब्जी रेड़ी फड़ी वालों को मिलने वाली सुविधाएं नदारद पाई गईं। उल्टे उनसे टैक्स के नाम पर गुंडा पर्ची लिए जाना, शौचालय और पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल पाना जैसे कई जानकारी दी गई थी, जिसके आधार पर माननीय अदालत के आदेशों मुताबिक सब्जी फड़ी वालों को ना सिर्फ 9% ब्याज के साथ दिए हुए सारे पैसे वापस मिलेंगे बल्कि उन्हें बूथ समेत अन्य सुविधाएं भी जल्द मिलने की उम्मीद है। सवा दो साल पहले जेड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी का नाम रख के आम आदमी पार्टी ते आम लोगों का कहते असी भला करांगे बदलाव के नाँ के उत्ते पंजाब के उत्ते आए, उन्हां दी कथनी ते करनी च किन्ना फर्क है वह एक इग्जाम्पल तुहाडे सामने पेश कर रहे हैं। बड़ी शर्म की गल है भी पंजाब सरकार जिहड़ी मंडी बोर्ड जिला पठानकोट है उन्होंने हाई कोर्ट च एक झूठा एफीडेविट देता कि असी रेहड़ी फड़ी वालों का असी उन्होंने प्रॉपर जगह अलॉट करती है, असी उन्होंने पानी की व्यवस्था देती है, असी साफ सफाई पूरी हाइजीनिक करती है, ते हर तरह की उत्थे बिजली की भी सहूलत देती है, हर तरह की सहूलत देती है, पर जदों ग्राउंड रियलिटी नहीं सी हाई कोर्ट ते असी रिक्वेस्ट की भी सर इन्होंने तुहानू गुमराह किया, सानू ग्राउंड रियलिटी उत्थे जाके चैक करो, कोई अपना जिम्मेवार उत्थे अफसर लगाओ। हाई कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने अपना कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किए जिन्होंने मौका सारा सब्जी मंडी का देखा, जिसे डीएमओ मार्केट कमेटी का चेयरमैन मार्केट कमेटी सारी ते प्लस मंडी बोर्ड ते असी भी सारे जने उत्ते फिजिकल जो चैक किया ते वो रिपोर्ट जिहड़ी है वो इन्नी क शर्मनाक है, मतलब उन्होंने टोटली जिहड़ी है वो सच्चाई दसी साडे हक च दसी, उन्होंने दसिया कि भी इस सरकार ने झूठा एफीडेविट दिता, इतने किसी तरह की कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई हाइजेनिक इतने सिस्टम नहीं है, ना किसी को कोई प्रॉपर जगह दिती है, धक्के 100-100 रुपए की पर्ची जी है गुंडा पर्ची लै रहे हैं, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, इतने बीमारी का भी डर है। उस तो बाद हुण बड़ी वड्डी साडी जित होई है कि हाई कोर्ट ने सरकार नू नोटिस करता कि भी 29/5/2023 तो, क्योंकि यह भी इन्होंने एक एफीडेविट दिता है कि भी जे असी कोई केस हार गए, जे केस सब्जी मंडी के हक च होया, जे असी इन्होंने सुविधा नहीं दे पाए तो असी जिहड़ा पिछले 2023 तो गुंडा पर्ची लै रहे हैं वो असी 9% ब्याज के नाल फड़ी रेड़ी फड़ी वालों पैसे वापस करांगे। उसके वास्ते हाईकोर्ट तो इन्होंने नोटिस आ गया, डायरेक्शन आ गई है कि भी 9% ब्याज के नाल इन्हों का सारा बंदा पैसा वापस किया जाए, तो जी गुंडा पर्ची है वो तुरंत बंद की जाए जो तक कि उन्होंने बूथ की सारी हाइजेनिक लाइट की जी सहूलत नहीं दी जाती। बड़ी वड्डी एक साडी जित हुई है तो ये ही जरा इन्हों का भ्रष्टाचार, फिर इस तो देखो इस तो वो शर्मनाक गल की होगी कि मार्केट कमेटी का चेयरमैन मार्केट कमेटी के अफसर साड़ी फड़ी यूनियन के जेड़े जेड़े मैंबर है उन्होंने अपने कोल अपने दफ्तर च बुला के धमका रहे हैं भी तुसी अपना केस वापस ले लो। मैं तुहाडे माध्यम राही आम आदमी पार्टी के वो जेड़े अपने जिम्मेवारियां दे चेयरमैनियां लैके बैठे हैं या वो सरकारी अफसर
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਫੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ 25/7/2024 ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮਾਨਯ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਮਸਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੈਥ ਲੈਬ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਾਸਪਿਟਲ ਬੁੰਗ ਚ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਓ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਸਲਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।